देवकली पुल के पास सड़क किनारे खड़ी खराब रोडवेज बस एक के बाद एक दो दुर्घटना का शिकार हुई। पहले मैजिक ने बस को टक्कर मारी, इसके बाद ट्रक ने रोडवेज बस को ठोक दिया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस 50 फीट नीचे नदी में चली गई। इस हादसे में बस चालक को हल्की चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मैजिक और ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सोनभद्र गोरखपुर रोडवेज बस में यात्रा के दौरान खराबी आ गई। स्टेयरिंग जाम होने की वजह से ड्राइवर ने बस को गाजीपुर वाराणसी हाईवे के किनारे ही लगा दिया। बाद में ड्राइवर बस में ही सो गया। देर रात पहले मैजिक ने टक्कर मारी और फिर ट्रक ने। बस में सोए ड्राइवर को जब तक कुछ समझ में आता, गाड़ी 50 फीट नीचे नदी में चली गई। ट्रक भी पटरी किनारे चला गया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को थोड़ी चोटें आईं, जबकि मैजिक और ट्रक के ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो गए। ऐसी ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।